नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। पब्लिक के बीच पहुंचे हैं, समाज में पहुंचे हैं, समाज के लोगों से हम विचार जान रहे हैं क्या है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा के बारे में, बाबा राम रहीम जी के बारे में करते हैं सीधी बात। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? गुरप्रीत जिंदल। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? प्लस वन नॉन मेडिकल अभी कर रहा हूँ। ओके सर, क्या जानते हैं आप बाबा राम रहीम जी के बारे में? वो बहुत अच्छे एक आदमी हैं और जितने आज तक उन्होंने मानता भलाई के कार्य शुरू किया, मेरे को नहीं लगता वर्ल्ड में कोई किसी ने भी इतने किए होंगे और शुरू ही नहीं किए। उनके नाम जितने रिकॉर्ड हैं आज तक, उसने रिकॉर्ड भी किसी का नाम नहीं, सिर्फ मानता भलाई के लिए। क्या क्या कार्य करवा रहे हैं बाबा राम रहीम जी? जैसे ब्लड डोनेट कराना, जिस जो कहते हैं हमारे बॉर्डर पे शहीद होते हैं हमारे जवान, उनको हम ब्लड पहुंचाते हैं, तो हम गुरु जी की शिक्षा से हम कहते हैं ब्लड डोनेट करते हैं। लोग आइस डोनेट करते हैं, कपड़े डोनेट करते हैं, जो गरीब इंसान है उनको हम कपड़े देते हैं। फूड डोनेशन होते हैं यहाँ पे, टॉय डोनेशन होती है और कहीं है, इसमें कम से कम 135 से ज़्यादा मानता भलाई कार्य हैं अभी जो चल रहे हैं। अभी इतने भलाई के बाबा राम रहीम जी कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या इस वक्त समाज को उनकी जरूरत है? क्या कहना चाहेंगे आप? ज़रूरत तो है, क्योंकि अगर देखो, अगर हम अपने जो हमारे बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, अगर हम उनकी नहीं ख्याल रखेंगे, उनके लिए हम ब्लड नहीं देंगे, तो फिर हमारे पे तो लानत है। जैसे हम अपने लोगों का नहीं ठीक कर सकते, तो फिर हमें इंसान खिलाने के लायक ही नहीं है। देश की बात करें, देश के लिए क्या योगदान दिया है बाबा राम रहीम जी ने? देश के लिए जैसे उन्होंने मोदी जी से भी पहले उन्होंने सफाई अभियान शुरू किया था, उन्होंने अभी तक कम से कम 10 से ज़्यादा सिटीज़ साफ़ कर दी और पता नहीं कितने स्टेट्स अभी उन्होंने और साफ़ किए हैं। उनकी एक फ़ोर्स है, स्पेशल फोर्स, जिसका नाम है ग्रीनेस शासन, नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स। वो जहाँ पे भी आपदा आती है, चाहे बिल्डिंग गिरे, अभी पीछे सोलन में हुआ था, वहाँ पे भी हमारे यहाँ गए थे, तो ये इनकी फोर्स है जो पूरे देश में कहीं पे भी, चाहे देश के बाहर भी कोई भी आपदा आती है, वो वहाँ पर भी जाके लोगों के राहत सारे पहुँचाते हैं। आप एक यूथ हैं, बींग ए यूथ, क्या मानते हैं समाज को संतों की जरूरत है? संतों की ज़रूरत तो है, क्योंकि अब जितना कलयुग बढ़ा है उससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन असली संत की ज़रूरत है। ये नहीं कि आके चढ़ावा चढ़ा दो बस हो गया। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि यहाँ पे आओ, नाम जपो, नाम देते हैं, बस। यहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता, बाकी जैसे जगहों पर चढ़ावा चढ़ाया जाता, पूरे दान के लिए एक रखे होते हैं बक्से। यहाँ पे ऐसा आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा कुछ भी। मेडिटेशन के क्या बेनिफिट हैं आप बताना चाहेंगे, आपने लिया हुआ मेडिटेशन? मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। मैं अगर कहूँ तो मैं ज़िंदा मेडिटेशन की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे जब मैं बहुत छोटा था, 1-2 महीने का था शायद से, तो मेरे ना काफ़ी ऑपरेशन हुए, तो गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को बोला कि आप मेडिटेशन करो, बच्चा ठीक होएगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे गुरुजी के प्रसाद से, और उनके मेडिटेशन की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। क्या बदलाव आए और क्या क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं बाबा जी से जुड़ने के बाद? काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे आजकल मेरे सारे दोस्त क्या कहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ ड्रिंक लेते हैं, कहते हैं कि ये तो सिर्फ एप्पल लिक्वर है, पी ले, इसमें क्या है, मैं इसमें हमारे को नशों से दूर रखा हुआ है, गंदगी से दूर रखा है, जैसे गंदी वीडियोस बच्चे देखते हैं हमको उससे दूर कर रखा है, जिस वजह से हमें भी अच्छा लगता है कि हम इन चीज़ों में नहीं पड़े।